सुबह की बेहद ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जीके 24 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। जम्मू कश्मीर में 10 तारीख और 11 तारीख यानी कि 10 अगस्त और 11 अगस्त को जो है वो भारी बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन आज की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस इस समय तापमान है और आसमान में बादल छाए हैं, हल्की धूप भी नजर आ रही है, लेकिन बारिश की बात करें तो फिलहाल बारिश के कोई भी आसार बनते हुए नजर नहीं आ रही है। लेकिन जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में 10 और 11 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 14 और 15 अगस्त को भी ऐसी स्थिति जो है वो बन सकती है। खराब मौसम के सूरत से संभावित क्षेत्र में बाढ़, भूस्खलन व पहाड़ों से पत्थर गिरने का खतरा बन सकता है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि 10 और 11 अगस्त को जो है वो भारी बारिश होने की संभावना जो है वो जम्मू संभाग में जताई गई है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कश्मीर डिवीजन की बात करें तो वहां पर भी बारिश होने की संभावना जो है वो जताई गई है, जहां पे थंडर शॉवर बताया गया है कि थंडर शॉवर होने की संभावना है। और साथ ही साथ फिलहाल 15 अगस्त यानी कि 14 और 15 अगस्त की बात करें तो इसी प्रकार से जो है वो संभावना जताई गई है, लेकिन 10 और 11 अगस्त को यानी आज और कल जो है भारी बारिश की संभावना बताई गई है, जहां पे फ्लैश फ्लड हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकती है, मडस्लाइड हो सकती है, शूटिंग स्टोन हो सकते हैं, यानी इस प्रकार की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है भारी बारिश के कारण, बाढ़ जो है वो होने की संभावना जो है वो जताई गई है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि फिलहाल इस समय किसी प्रकार की कोई भी बारिश के आसार जो है वो बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि शाम को आप देखेंगे, शाम को जो है बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है, यानी कि शाम के समय जो है वो आपको हल्की बारिश जरूर देखने को मिलेगी, और रात में जो है वो भारी बारिश होने की संभावना जो है वो जताई गई है। और साथ ही साथ कल सुबह की बात करें तो सुबह अर्ली मॉर्निंग भी जो है वो भारी बारिश की संभावना जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में बताई गई है, यानी कि जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में इस प्रकार से स्थिति बनेगी, यानी कि भारी बारिश होगी जिसके चलते बाढ़, भूस्खलन और पहाड़ों से जो है वो पत्थर गिरने की संभावना जो है यानी कि इस प्रकार का खतरा जो है वो बन सकता है। लेकिन फिलहाल इस समय 29 डिग्री सेल्सियस है और किसी प्रकार से कोई भी बारिश के आसार जो है वो इस समय नजर नहीं आ रही हैं। आसमान पे आप देखिए बादल छाए हुए हैं, और आज दिन भर मौसम की बात करें तो हल्की धूप भी आपको देखने को मिलेगी, और दिन ढलने के बाद जो है वो मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी, मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जहां पे बारिश जो है वो रात के समय देखने को मिलेगी और दिन ढलने के बाद जो है वो बारिश का सिलसिला जारी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस प्रकार से मौसम विभाग के द्वारा जो है वो अलर्ट जारी किया गया है, नदी नालों से आप दूर रहें, नदी नालों के पास बिल्कुल भी ना जाएं, कहीं पर भी आप पिकनिक मनाने के लिए इस समय जा रहे हैं तो नदी नालों के पास बिल्कुल भी ना जाएं, उनसे दूर रहें, क्योंकि नदी नाले जो है वो इस समय उफान पर होते हैं और खतरा बन सकता है किसी प्रकार की कोई भी घटना पेश ना हो, उसका ध्यान जो है सावधानी जो है वो जरूर बरतेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में जो है वो बाढ़, भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने का खतरा जो है वो बन सकता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कटरा में बारिश और बादल छाए रहने से कल यानी बीते कल शुक्रवार को भी चौपर सेवा जो है वो बाधित रही, जहां पर कश्मीर में लगातार मौसम साफ रहने से जम्मू से अधिक श्रीनगर में जो है वो गर्मी इस समय जो है वो देखने को मिल रही। कमेंट सेक्शन पर अपना इलाका जरूर साझा कीजिएगा, आपके इलाके के मौसम में सूरत हाल इस समय क्या कुछ बने हुए हैं वो भी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते मैं आपको फिर बता दूं कि इस समय मौसम विभाग के द्वारा जो है वो अलर्ट जारी किया गया है आज और कल के लिए, 10 और 11 अगस्त के लिए जो है वो अलर्ट जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है, जहां पर ये साफ तौर पर बताया गया है कि भारी बारिश के चलते जम्मू संभाग में भारी बारिश के चलते जो है वो कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ कश्मीर डिवीजन की बात करें तो कश्मीर डिवीजन के भी कुछ हिस्सों में जो है वो बारिश बताई गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जम्मू संभाग में जो है वो भारी बारिश बताई गई है। हालांकि कश्मीर संभाग की बात करें तो कश्मीर संभाग में जो है उस प्रकार की बारिश का जिक्र जो है वो नहीं किया गया है मौसम विभाग के द्वारा, लेकिन जम्मू संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, और देर रात यानी कि आज रात के समय आप देखेंगे कि भारी बारिश जो है
वो भारी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। भारी बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, तो नदी नालों के पास बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि नदी नाले जो है वो इस समय उफान पर होते हैं, किसी प्रकार की कोई भी घटना पेश ना हो, इसीलिए जो है आपको सावधानी बरतनी होगी, सतर्कता जो है वो बरतनी होगी। फिलहाल आपको फिर बता दें कि 14-15 अगस्त को भी इसी प्रकार से जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो जम्मू संभाग के अलग अलग हिस्सों में जो है वो बताया गया है। कश्मीर संभाग की बात करें तो कश्मीर संभाग के भी अलग अलग हिस्सों में जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो बताया गया है। बारिश 14-15 अगस्त को भी यानी कि संभावना जो है वो जताई गई है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 10 और 11 अगस्त को जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल के लिए अलर्ट जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है मौसम विभाग के द्वारा कि भारी बारिश की संभावना जो है वो जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में बन सकती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर अपना इलाका भी जरूर साझा कीजिएगा, जरूर बताएगा आपके इलाके के समय मौसम में सूरत हाल क्या कुछ बनी हुई है, क्योंकि इस समय आप देखिए कि मौसम आसमान में बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन बारिश के कोई भी आसार जो है वो बनते हुए नजर नहीं आ रहे। मंजूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको। कश्मीर में बहुत गर्मी है जी, बिल्कुल जम्मू में भी इसी प्रकार से गर्मी जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। गर्मी इस समय देखने को मिल रही है, ह्यूमिडिटी इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बारिश जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो राहत ज़रूर मिलती है आम जनता को, लेकिन दूसरी तरफ मुसीबत भी बारिश जो है वो बंद कराती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन पर अपना इलाका भी ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।